आज मैं आपको ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो ये सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर आग का होना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया के में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे, छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते थे। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह हाई कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ ही दिनों बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीत लिया। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका, उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्सल बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे कॉन्टेक्ट में मिस्टर जूनियर बन गया। लेकिन वह बंदा यहां पर भी नहीं रुका, वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिक ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं, उसने फिर एक सपना देखा था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लर्न गुड बाय, लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1970 में उसे फिल्म मिली कमिंग लर्न और यह फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कोनान द बर्बरियन जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम आर्नोल्ड सचवार जेनेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिखी। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर भी लाओ, एक वजह को जन्म दो, तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ पा पाओगे। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।